हेलो एवरीवन, रूप द ट्रैवलर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जयपुर की ऐसी कुछ चुनिंदा मार्केट के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी जो बेहद ही सस्ती हैं और बेहद ही खास मार्केट हैं। अगर आप यहाँ जयपुर घूमने के पर्पज से आए हैं और वहाँ के होलसेल मार्केट में अपनी शॉपिंग नहीं की तो आपका ट्रिप अधूरा है, क्योंकि यहाँ की जो चीज़ें हैं वो पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है। पिंक सिटी के नाम से मशहूर राजस्थान का जयपुर शहर न केवल घूमने के लिए फेमस हॉलीडे डेस्टिनेशन है, बल्कि यहाँ शॉपिंग करने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ खरीदारी करने के लिए कहने को तो कई मार्केट हैं, लेकिन अगर आप अपना पैसा और समय दोनों बचाना चाहते हैं तो आज हमारा ये वीडियो आप पूरा देखिए। आज हम आपको राजस्थान के जयपुर में सबसे सस्ती मार्केट और बेस्ट शॉपिंग मार्केट के बारे में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम आपको जयपुर की प्रसिद्ध शॉपिंग मार्केट के बारे में बताएंगे जो खरीदारी करने के लिए बेहद ही सस्ते बाजार हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जयपुर के नागरगढ़ रोड मार्केट की। यह बाजार राजस्थान का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है और पूरे भारत में चूड़ियाँ तथा कुर्ती की सप्लाई के लिए जाना जाता है। इस मार्केट में आपको ऐसे रेट में प्रोडक्ट मिलते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े होलसेलर हैं। ये कोई छोटा मोटा बाजार नहीं है, बल्कि जयपुर का बहुत ही बड़ा मार्केट है और ये लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। पूरे जयपुर में यहाँ से 50% सामान सप्लाई होता है। इस मार्केट में आपको छोटी बड़ी चीज़ें सब कुछ मिल जाता है, चाहे साड़ी से लेके लहंगा, कुर्ती, शॉर्ट्स, जीन्स, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है और बेहद ही सस्ते दाम में। ये बाजार आप सुबह 10 बजे से शाम 9:30 बजे तक खुला रहता है। नंबर 2 पे आता है जयपुर का बापू बाजार। ये बाजार फेमस है अपने शानदार राजस्थानी कपड़ों के लिए, खास तौर पर लेडीज कपड़े। अगर आप जयपुर में सस्ते से सस्ते कपड़े की मार्केट तलाश कर रहे हैं तो यहाँ का बापू बाजार दूसरे नंबर पे है, जहाँ आप अपने मनपसंद कपड़े खरीद सकते हैं। और हाँ, इस बाजार की जो सबसे खास बात है वो ये है कि यहाँ पे हर वेरायटी के कपड़े आपको बेहद ही कम दाम में मिल जाते हैं, जहाँ आपको पहली नजर में आपको अपने कपड़े की डिजाइन पसंद आ जाएगी। जयपुर की इस प्रसिद्ध मार्केट में आपको रिटेल से लेकर होलसेल तक सारे कपड़े मिल जाते हैं। अगर आपको होलसेल में लेना है तो भी मिल जाएगा और होलसेल के प्राइस में आपको रिटेल में भी सामान मिल जाएगा। इस बाजार में भी आप साड़ी, जयपुरिया लहंगा, पार्टी वेयर कपड़े, चूड़ियाँ, मोजरी, हर तरीके की चीज़ें मिल जाती हैं, तो इस बाजार का रुख करना ना भूलें। तो दोस्तों 3rd नंबर पे है जयपुर का चांदपुल बाजार। चांदपुल बाजार की खास बात यह है कि यहाँ पे आप मोल भाव खूब कर सकते हैं। जो सामान आपको दूसरे मार्केट में 100 रुपये में मिलेगा वो इस मार्केट में आपको आधे रेट में मिल जाएगा। 3 शताब्दियों से भी पुराना ये बाजार जयपुर में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में काफ़ी फेमस है। इसका निर्माण 1727 में जयपुर के राजा सवाई सिंह के द्वारा करवाया गया था। 4 दीवारी के अंदर होने के कारण ये बाजार काफ़ी फेमस है। यहाँ पे आपको आपकी ज़रूरत का सारा सामान मिल जाएगा, जैसे किचन का सामान, होम डेकोरेशन, प्लास्टिक का सामान, राजस्थानी आभूषण, संगमरमरी मूर्तियाँ, ये बहुत सारी चीज़ें, जो भी आपके रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अगर आप ही चांदपुल बाजार जा रहे हैं तो यहाँ पे मोल भाव करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आप अपने बजट के हिसाब से सौदेबाजी कर सकते हैं। यहाँ का पहुँचने का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो चांदपुल मेट्रो स्टेशन है। तो दोस्तों 4th नंबर पे आता है जौहरी मार्केट। यह बाजार काफ़ी फेमस है अपने खूबसूरत हाथ से बने हुए राजस्थानी मोगरा, पचरंगा लिहरिया और राजस्थानी बंधनी के लिए। जो स्पेशली यहाँ पे त्यौहार, शादी विवाह से संबंधित कपड़े खरीदने आते हैं वो यहाँ से उचित रेट में ये सामान खरीद सकते हैं। तो अगर आप भी जयपुर घूमने आते हैं या फिर यहीं रहते हैं तो आपको जौहरी बाजार तो ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल कपड़े, पारंपरिक कपड़ों के साथ साथ बहुत सारे मोबाइल एक्सेसरीज भी मिल जाएंगे। इसके अलावा इस बाजार में सभी प्रकार के स्टाइलिश कपड़े मिलते हैं और वो भी हर वर्ग के लिए। तो आप जब भी गुलाबी शहर जयपुर के गलियारों में शॉपिंग करने के लिए बाहर निकलें तो जौहरी मार्केट जाना बिल्कुल भी ना भूलें। ये यहाँ की सबसे अच्छी बाजारों में से एक है।
तो दोस्तों पांचवे नंबर पे है जयपुर की काफ़ी फेमस मार्केट नेहरू बाज़ार। ये तो आप सभी जानते होंगे कि जयपुर की मूजरी पूरे भारत में काफ़ी फेमस है, और अगर आप जयपुर जा रहे हैं घूमने के पर्पज़ से और मूजरी के शौकीन हैं तो सीधे जयपुर के नेहरू बाज़ार चले जाइए। यहाँ पर आपको स्टाइलिश मूजरी मिल जाएंगी। यहाँ पर रेडीमेड कपड़े भी काफ़ी सही कीमतों में मिल जाते हैं। इसमें कुछ दुकानें तो ऐसी हैं जहाँ पर आपको जयपुरिया बैग, जयपुरिया कुर्ती और स्पेशली जयपुरिया मोजरी काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाती हैं। ये मार्केट सुबह 10:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुला रहता है। तो दोस्तों छठे नंबर पे है जयपुर की काफ़ी मशहूर मार्केट त्रिफोलिया बाज़ार। त्रिफोलिया बाज़ार जयपुर का एक बेहद ही सस्ता और अच्छा स्ट्रीट मार्केट है। त्रिफोलिया मार्केट बेसिकली अपने लाख की ज्वेलरी के लिए और कई तरीके की चूड़ियों के लिए फेमस है। यहाँ से आप बंदनी और अन्य डाई के कपड़ों के साथ साथ अन्य कपड़े भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे आप मोल भाव बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। ये मार्केट सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहती है। तो अगर आप भी स्ट्रीट शॉपिंग के शौकीन हैं तो यहाँ पे जरूर जाएं। तो दोस्तों सातवें नंबर पे आता है जयपुर का सबसे फेमस मार्केट अरावली मार्केट। ये जयपुर की सबसे फेमस और होलसेल मार्केट में से एक है। इस बाज़ार में आप ब्रेड स्प्रेड, रजाई, सलवार सूट, टेबल, लिनन, लोहे और पत्थर के पात्र, उपहार के सामान, स्टेशनरी आइटम और नक्काशीदार फर्नीचर के लिए काफ़ी फेमस है। सस्ती कीमतों पर ये सभी सामान खरीदने के लिए अरावली बाज़ार एक बेस्ट शॉपिंग हब है। ये मार्केट पृथ्वी राज रोड पर स्थित है जो मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन के बहुत पास है। ये मार्केट सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहती है। तो दोस्तों आठवें नंबर पे है जयपुर की बड़ी चौपर मार्केट। अगर आप बाज़ार में शॉपिंग करने जा रहे हैं तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है बाज़ार खुलने में, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है और आपको जल्दी में शॉपिंग करनी है और काफ़ी सारी शॉपिंग करनी है तो जयपुर की बड़ी चौपर जाना सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ से आप कपड़े, बेडशीट, ढेरों गिफ्ट आइटम खरीद सकते हैं। बड़ी चौपर शहर जयपुर का काफ़ी पुराना शहर है, जहाँ व्यस्त केंद्रीय बाज़ार में चांदी, रजाई और राजस्थानी स्नैक्स की बिक्री होती है। ये मार्केट सुबह 10 बजे से देर रात तक खुली रहती है। ये बाज़ार हवा महल से बहुत पास में है, आप यहां से पैदल भी जा सकते हैं। बड़ी चौक पर, जिसे माड़क चौक के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत के जयपुर में से एक सार्वजनिक चौक है। तो दोस्तों ये थी जयपुर की कुछ सबसे अच्छी और फेमस मार्केट। तो अगर आप भी कभी जयपुर घूमने का प्लान बनाए तो इन मार्केट में विजिट करना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको भी ऐसी मार्केट वीडियो देखना पसंद है, हर स्टेट की, हर शहर की मार्केट, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको हर एक स्टेट की, हर एक शहर की मार्केट के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।